जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, मेरे संग परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। फाउंडेशन और मैं आपके साथ वंदना। क्या इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टी अपने सपनों में ही कर बैठेंगे? जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है और इसके पहले लगातार एक के बाद एक सभी नेताओं के द्वारा सपने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव ने ये कहा कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि अगली सरकार आपकी होगी, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की ओर से भी ये कहा गया है जेपी नड्डा को पत्र लिखते हुए कि मथुरा से ही योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि और ये पत्र हमें कृष्ण भगवान ने मजबूर किया है लिखने को। तो अब बारी ओवैसी की आ चुकी है। जी हाँ, ओवैसी ने भी सपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि अगली सरकार आपकी बनेगी, तो उसी तरह ओवैसी ने भी इस बयान का जवाब देते हुए कहा है कि मेरे सपने में भी मुसलमान आते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार यानी कि सपा की सरकार नहीं आएगी, सारे लोग सिर्फ ओवैसी को ही वोट देंगे और ओवैसी की ही सरकार बनेगी। और क्या कुछ कहा है ओवैसी ने अपने इस बयान में, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। IIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण के सपने में आने के बयान पर तंज कसा है। संभल जनपद के असमौली में आयोजित जनसभा में ओवैसी ने कहा है कि भाजपा राम को देखती है और अखिलेश कृष्ण को देखते हैं। अखिलेश यादव के सपने में आकर जब भगवान क्या है, ऐसे ही कह दीजिए कि भगवान से मैंने कहा है कि अब मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन मेरे ख्वाब में तो मुजफ्फरनगर के मुसलमान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सपा को वोट नहीं देंगे। वह मुझसे कह रहे हैं कि कोई तो हमारे हक की आवाज़ बुलंद करे। अब मजलिस के विधायक जीतकर विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा की दीवारों पर नाराज तकदीर और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों को बुलंद करेंगे। असमोली क्षेत्र के गांव सहबाजपुर कला में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मुझे कहा जाता है कि वोट काटने में आया हूं, मैं वोट काटने नहीं आया हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े, फिर भी 15 सांसद ही बने। डॉक्टर सफीकुर रहमान बड़के जीते तो वह अपनी ताकत की वजह से जीते, समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं जीते। अगर तुम्हारे वोट एक साथ पड़ जाते तो सपा और बसपा वाले 15 ही सीटें क्यों जीतते। इस बार विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे, विधानसभा की दीवारों पर नारायण तकदीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों को बुलंद करेंगे। संविधान की इज्जत और अजमत को बचाना है तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा। असमोली विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो 50,000 हैं वह 1,37,000 पर हुकूमत करेंगे और विधायक बनेंगे। अकील रहमान को वोट नहीं दिया, क्यों दिया? क्योंकि कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भी कहा है ओवैसी ने। मैं मुसलमान हूं और मुझे वतन से प्यार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि आप बताएं जो हमको धर्म संसद करके मिटाने की बात कर रहे हैं वह कौन लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सहबाजपुर कला गाँव में पहले एक कॉलेज था जो बंद कर दिया गया, आप बताएं कि ये कॉलेज किसने बंद किया। मुसलमानों के पास 2% भी जमीन नहीं है, इसीलिए ओवैसी मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। जब CAA का कानून आता है तो फिर कांग्रेस और सपा ने क्यों विरोध नहीं किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली, मुशीद खान तरीन, सैयद असलम, शकीद अहमद अशरफ और भी कई लोग मौजूद रहे।
तो कुछ इस तरीके से ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां अखिलेश यादव को घेरा है, अखिलेश यादव के जो बयान था जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा था कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, तो इस पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर आपके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, तो मेरे सपने में मुसलमान आते हैं। और वो कहते हैं कि वो सपा को वोट नहीं देंगे, सपा की सरकार नहीं बनने देंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे विधानसभा चुनाव में बात सपनों की हो रही है, भगवान कृष्ण की हो रही है और भगवान राम की भी हो रही है, और अब बात सपनों से मुसलमानों तक भी पहुंच चुकी है। तो देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से इन सभी बातों को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका जवाब देते हैं और क्या कुछ आगे अपना बयान जारी करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।